पार्टी सर, पूरी रात कोशिश की कि ये अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और आप आए, आपने पता नहीं उसे क्या कह दिया और वो तोते की तरह बोलने लगा। कीर्ति जी, कभी कभी घोड़े को दौड़ाने के लिए ना डंडे की नहीं चने की जरूरत पड़ती है। मैंने बस उसको इतना ही कहा कि उसके गुनाह का चश्मदीद दूसरे लॉकअप में अपनी खातिरदारी करवा रहा है, बस बोलने लगा। अच्छा, चाय पियेंगी अदरक वाली? नो थैंक यू सर, वैसे भी मैं चाय नहीं पीती। हाँ यार, आप तो कॉफी पीती है ना, वो फिल्टर वाली। सर आप भी ना। सर, आलमबाग की मिर्जा कॉलोनी में मर्डर हुआ। पार्टी सर, विक्टिम ने पूरी कोशिश की थी अपनी जान बचाने की, हॉल से लेकर किचन तक। बेचारा बहुत भागा था। कितने बजे हुआ ये सब? सुबह 6 बजे के आसपास। मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, तभी मैंने एक चीख की आवाज सुनी। विकास! फिर क्या हुआ? फिर गौतम अंकल भागते हुए अंदर आए। और ये गौतम अंकल कौन है? जी मेरे पापा। आप कौन? मैं इनकी नेबर। और इस वक्त आपके पापा मतलब गौतम अंकल कहाँ हैं? जी वो घर पे हैं, बहुत डरे हुए हैं। अजीब बात है कीर्ति जी, कत्ल घर के अंदर हुआ, एक औरत अपने घर पे ऊपर सो रही है, नीचे खून हुआ और उसे कुछ पता नहीं चला, और बाहर से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने चीखों की आवाज सुनी और वो घर के अंदर आया, कुछ तो अजीब है। एग्जैक्टली। आनंद सर, फोरेंसिक टीम को बुला लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। और सुनिए, अपने पिताजी को बुलवाइए, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। जी सर। मैं रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, विकास के चीखने की आवाज सुनाई दी, फिर एक बंगाली औरत निकली घर से, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, घुंघराले बाल, हाथों में वो बंगाली शादीशुदा औरतें तेन पहनती हैं। शाखा बोला? हाँ जी। क्या उस औरत को पहले कभी देखा है? पहचानते हैं उसको? सर, अगर वो बंगाली औरत थी तो मैं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन उसने मेरे पति को कौन है वो? यशवंत, क्या हुआ ज्योति? आप चाहते क्या है? अरे लेकिन हुआ क्या? विकास भैया नहीं रहे। कितनी बार तुम सबको समझाया था, अरे भैया को भी समझाया था कि उसे नाराज ना करें, अगर आज वो मेरी बात मान लिए होते तो ऐसा ना होता। जी कहिए। हम राधिका जी के यहाँ से आए हैं।
विकास जी, वो मेरे बड़े भाई थे जी, वो आप कौन? जी मैं यशवंत, ज्योति का पति। क्यों, क्या बात है? आज सुबह विकास के घर 6 बजे आप इन कपड़ों में गए थे? नहीं, मैं तो अपनी बच्ची के साथ स्कूल गया था, ज्योति भी थी साथ में। पापा सच बोल रहे हैं। बच्ची को अंदर ले जाइए। देखिए, आपके निजी मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने साले को क्यों मारा। अब झूठ मत बोलिएगा कि आप स्कूल गए हुए थे, बच्चों को भी सिखा पढ़ा के रखा है। हम सच कह रहे हैं, हम साथ में ही थे। चाहे तो आप स्कूल जाकर पता कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है मैडम, तो वो औरत कौन थी जो विकास के घर ऐसे तैयार होके गई थी, जिन्हें विकास के घर से निकलते और भागते हुए देखा? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे भैया को इन्होंने मारा है? अरे हम पहले से परेशान हैं उसके श्राप से, जिंदगी नरक बन गई उस औरत की वजह से। अरे फिर से वही गलती, कितनी बार तुमको समझाया कि उसको गाली मत दो। आज विकास के साथ जो हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है। एक मिनट, क्या बकवास है ये? कैसा श्राप और किसकी बात करें आप दोनों? परुमा का श्राप। अब ये परुमा कौन है? 8 साल पहले मैं कोलकाता गया था किसी काम से, वहीं मिली थी। पहली बार जब मैंने पारुमा को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया, उससे शादी करना चाहता था। जब मैंने ये बात अपने बाबूजी को बताया तो मुझ पर भड़क गए और मुझे घर बुला लिया। लेकिन घर जाने के पहले मैंने पारुमा से शादी कर ली थी। बिरादरी से बाहर शादी करेगा तो नाक कट जाएगी हमारी। पापा आजकल ये कौन देखता है? तो जा कर ले शादी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। माफ करना पापा, मैं पारुमा से शादी कर चुका हूँ, मुझे जाना होगा। पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती ज्योति से करा दी, फिर अनुष्का पैदा हुई। पर परुमा को कोलकाता में छोड़ के आने का दुख मुझे सताता रहा, मुझे रहा नहीं गया। मैं कोलकाता चला गया उसे ढूंढने। पर मैंने बहुत देर कर दी। मेरे जाने के बाद परुमा के माँ बाप ने उसे बहुत कोसा। इस दुख में उसने खुदकुशी कर ली। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं वापस अपने घर आ गया। मेरे वापस आने के बाद मेरे घर के सारे सदस्य खत्म होने लगे।
कोई सड़क दुर्घटना में, कोई छत से गिर के मेरी बहन के ऊपर तो बिजली का नंगा तार गिर गया। लेकिन ये सब तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका विकास की मौत से क्या संबंध? संबंध है सर, परोमा के श्राप का संबंध। मैं परोमा और उसके प्यार को कभी नहीं भूल पाया। मुझे लगा परोमा के श्राप की वजह से मेरे घर में मौतें हो रही है। फिर मैं परोमा की आत्मा की शांति के लिए सज सवर के रहने लगा। लोगों की बेइज्जती से ही, जिल्लत से ही बहुत कुछ सहा। फिर मैं जब से उसके जैसे बन के रहने लगा, मेरे घर में मौतें नहीं हुई। चलो माना, माना कि परोमा के जाने के बाद तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें बहुत गिल्टी फील हुआ, लेकिन उसी की वजह से तुम्हारे परिवार में इतने लोगों की मौत हो जाना, ये कैसे पॉसिबल है? चलो एक बार ये मान भी ले, लेकिन अब तो आप परोमा की तरह रह रहे हैं, तो फिर विकास की मौत क्यों हुई? क्योंकि विकास ने परोमा की आत्मा को नाराज किया था। साड़ी पहन के घूमेगा? क्या कर रहे हैं? छोड़ दो। आज तो इसे छोड़ रहा हूँ। सुन बे, ये नाटक बंद कर दे। ये जो तुम साड़ी बिंदी पहन के घूमते हो ना, साड़ी वाड़ी सिंगारदानी, सब की सब फेंक देंगे। अरे समझाओ इसको। सर ये स्टोरी पे स्टोरी बना रहा है और हम इसकी बातें सुन रहे हैं। इसकी जो इंसल्ट हुई है ना, इसने उसी का बदला लिया है, और इन सब में उसकी बीवी ने उसका साथ दिया है। आनंद सर, थाने ले चलो। ठीक है सर, चलिए। कपड़े वैसे ही है पर चेहरा इनका नहीं है, वो औरत थी। त्रिपाठी सर, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाती हूं। आपको पूरा यकीन है कि वही चेहरा है? हाँ हाँ यही है। ये तो परोमा है। परोमा? हाँ मेरी वाइफ परोमा। तुम तो कह रहे थे 6 साल पहले मर चुकी है। हाँ सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ, ये वही है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक मुर्दे ने विकास का कत्ल किया है। त्रिपाठी सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर चाकू से हुआ है, और वहां यशवंत के फिंगरप्रिंट्स नहीं है बल्कि किसी और के। ठीक है, आप लोग अभी जाइए, लेकिन निश्चिंत मत हो जाइएगा, हम फिर मिलेंगे। आनंद सर, ये स्केच आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और सारे मुखबिरों तक पहुंचा दो। ये औरत जो कोई भी है, इससे पहले कि अपना अगला शिकार करे, इसे ढूंढना ही पड़ेगा। तुमने बुलाया है। क्यों बेटा, तुमने कुछ किया तो नहीं? नहीं तो पा नहीं तो नहीं है।
बहुत हो गया, अब और नहीं सहूंगी मैं, समझे ना? देखती हूँ क्या ही बिगड़ता है वो बरोमा का श्राप और उसकी आत्मा, क्योंकि तुम्हारे इस रूप से तंग आ गई हूँ मैं। इससे अच्छा तो वो मुझे भी मार डाले तो ठीक है, सब खत्म कर दूंगी। छोड़ो उसको। नहीं, नहीं। छोड़ो, बोला ना, उसको छोड़ो। मत करो ये, क्या कर रही हो तुम? छल्ला डालूंगी मैं इसको। तुम मत करो ये। मेरा संसार तबाह कर रहा है। मत करो, मत करो, क्यों कर रही हो? अरे मत करो, मैं मत छोड़ो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए ढोंग है, तुम्हारे लिए अंधविश्वास है, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ज्योति प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अनुष्का। आप बहुत अंधे आने मम्मी में हाथ होता है, तो आप इसे पाल नहीं करनी, तो सब प्यारे हैं तुम में, आप मम्मा हो पापा हो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, पारो आंटी नाराज हो जाएगी। बेटा मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो। किधर जा रही हो आंटी? जिसके लिए आपको बुलाया था आपने फिर से वही किया। ये ऐसे कपड़े पहनकर आना, क्या ये सही है यशवंत जी? आगे क्या आप? कैसे कपड़े पहनता हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का नुकसान तो नहीं करता ना, मेरे परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, बस और कुछ नहीं। प्लीज इस बात को समझिए। मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन मुझे भी तो स्कूल चलाना है। सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए अनुष्का इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। हेलो।
जैन सर, जैन मैम, क्या रिपोर्ट आनूं? सर आइए। आनंद जी किचन का? मैं मुस्तफा। सर, सर क्राइम सीन से जितने भी एविडेंस मिले हैं वो सभी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं सर। ओके। मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, अनुष्का को लेके स्कूल गया था मैं, ये अकेले घर पर थी। आज सुबह इसने पारोमा की तरह सजने के लिए मना किया था, कितनी बार समझाया था इसको, नहीं समझे। त्रिपाठी सर, हमें बॉडी को अभी के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। त्रिपाठी सर, ये केस तो बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है। विकास का कातिल मिला नहीं है, आई विटनेस की माने तो उसने पोरोमा को देखा था, और ये कह रहा है कि पोरोमा को मर के 6 साल हो गए, और आज ज्योति, त्रिपाठी सर ये हो क्या रहा है? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चूहा तो पता है सर, लेकिन बिल्ली कौन है? मुंह खोल के देखना पड़ेगा, जिसके दांत में खून लगा होगा वही होगी बिल्ली, क्योंकि अब इंसान तो चूहों की तरह ही मर रहे हैं। त्रिपाठी सर, यशवंत के घर के आसपास की और अनुष्का के स्कूल की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सर फिर से सेम फिंगरप्रिंट्स जो विकास के घर पे मिले थे, दोनों जगह वही औरत। इसका मतलब यशवंत के दांतों पे खून तो नहीं लगा है, यानी कि यशवंत बिल्ली नहीं है। कीर्ति जी, अब तो लगता है कि हमें गड़े मुर्दे ही उखाड़ने पड़ेंगे। मतलब आप आनंद को लेके कलकत्ता जाइए, परमा को ढूंढ के निकालिए। मुझे लगता है इस केस की कड़ी वहीं कहीं से जुड़ी है। अगर कातिल परमा है और वो 6 साल पहले मर चुकी है, तो उसकी आत्मा को ढूंढ के निकालिए। मुर्दों को ढूंढ निकालना जिंदों को ढूंढ निकालने से ज्यादा मुश्किल है। ये तो हमें ना मैडम, 6 साल पुराना फाइल है, अब इतना पुराना केस फिर से ओपन करके क्या मिलेगा आपको? आप इतना लंबा से आई है, कोलकाता घूमिए, खाइए पीजिए, मजा कीजिए। आपको पता है कोलकाता फेमस रसगोल्ला, मिष्टी दोई, संदेश, ये सब जाके खाइए, मजा आ जाएगा। सत्ती बोलती, क्या ये पुरानी केस के पीछा पड़ा है? शोमैन घोष, कलकत्ता भी घूम लेंगे, आपने जो मिठाई सजेस्ट की है वो भी खा लेंगे, लेकिन पहले आनंद जी, इस लड़की को ढूंढेंगे। पारोमा बासो टॉलीगंज में रहती है। अब आप बताइए, कॉपरेट करेंगे आप? अरे मैडम, आप तो एकदम नाराज हो गया। चलिए आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन मैडम पहले एक बात बोल देता हूँ, वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, किच्छु पावे ना, सुधु सुधु आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मिस्टर घोष, थैंक्स फॉर द सजेशन, लेकिन ये सारी बातें हम काम के बाद करेंगे। वासुदा तो कब का चला गया घर छोड़ के, उसका बेटी मर गया तो घर छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हमने के बोले छिलम ना, तो आपको बोला था ना मैडम, ठीक है तुम जाओ। मैडम परोमा के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। मिस्टर घोष, 6 साल पहले जितने भी सुसाइड केसेस हुए ना,
मुझे सबके रिकॉर्ड चाहिए। पारमा का डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड, जो भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिले सब मुझे चाहिए। और हाँ मिस्टर घोष, अब ये मत कहिएगा कि इतने पुराने रिकॉर्ड कहाँ से मिलेंगे। अगर आप कर पाए तो भी ठीक, नहीं कर पाए तो बता देना, मुझे इंफॉर्मेशन निकलवाना आता है। अरे मैडम, मैंने माना कब किया? बैठो। अरे बाबा आराम से रख। अच्छा आनंद बाबू, एक बात बताओ, तुम्हारे कीर्ति मैडम इतना तारा तारी क्यों करता है? आप भी जरा तारा तारी कीजिए। वैसे तो मैडम को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो सामने वाले की तोड़ा तोड़ी हो जाती है। की बोल छो, चलो चलो। बहुत अजीब बात है, कोई सुसाइड करता है ना पुलिस रिकॉर्ड है ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड। यही तो समझ नहीं आ रहा मैडम, रिकॉर्ड देख के तो ये लगता है कि परोमा ने कभी सुसाइड किया ही नहीं। हमें बोली छलम ना मैडम, मैं आपको बोला था ना? बोला था, पता है मुझे अपने, बोला था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें, जानती हूँ मैं। अरे मैडम, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए मैडम, उस लड़के का पता मिल गया, फाइल चेक कर लीजिए। चार साल पहले परोमा को एक रेड में पकड़ा गया, सोनागाछी में। वाह, इसका मतलब सुसाइड की कहानी छूटी है। इंटरेस्टिंग। मिस्टर घोष। जी मैडम। सोनागाछी चलते हैं। छोड़ दिया है, अब तो मैं ट्रेन का टिकट बनाता हूं मैडम। इसे देखा है कहीं? परोमा ना, इसको तो इसके बाप ने यही बेचा था, मैंने तो डील करवाया था, इसने अपने बारे में हमें सब कुछ बताया। इसका पति इसको छोड़ के चला गया था, फिर इसका बाप दुनिया को बोला कि मर गया, फिर इसको यही बेच दिया था, फिर यहाँ पे लेट पड़ा था, ये समाज सेवी उसको लेके चली गई। उसके बाद मेरा धंधा एकदम चौपट हो गया, बर्बाद हो गया मैं। धंधे की पड़ी है तुझे? अगली बार अगर ये लड़की यहाँ दिखी ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। ठीक है मैडम, ठीक है। ये आप क्या कह रहे हैं सर, परोमा ने आत्महत्या नहीं की? मतलब अभी वो जिंदा है? हाँ यशवंत, हमारी टीम कलकत्ता गई थी परोमा के बारे में छानबीन करने के लिए, और उसे पता चला कि परोमा ने कभी आत्महत्या नहीं की। अब तुम्हारे परिवार में जो मौतें हुई हैं उसकी वजह परोमा है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन परोमा के शाप जैसी कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारा गिल्ट था जिसने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया। लेकिन अगर तुम्हारे परिवार के लोगों की मौत में कहीं से भी परोमा का हाथ है तो उसका अगला शिकार तुम या तुम्हारी बेटी हो सकते हैं। नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन सतर्क रहना। जी। Thank you.
कीर्ति जी कहाँ हैं? सर बस वो आती होंगी पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो उसे कह देना कि शेर के शिकार के लिए बकरी छोड़ दी है। सर बिल्ली शेर बन गई? अभी तुम नहीं समझ पाओगे आनंद, बस देखते जाओ। परिवार के लोगों की मौत में कहीं से भी परमा का हाथ है तो उसका अगला शिकार तुम या तुम्हारी बेटी हो सकते हैं। এত ভয় কেন পাচ্ছ অশ্বন্ত? ঠের কেউ গে অশ্বন্ত? আপি জিন্দা হে, ইসে মারা নহি হে, আপি ইসে সব বেহোশ কিয়া হে, আপি জিন্দা হে। ইয়ে ক্যা করি হো পরমা? ক্যা হে না, কি বড়ে লোগো কো মারনা তো বড়া আসান হে, পর ইতি প্যারি সি বচ্চি কো মারনা, বহুত মুশকিল। उसे मारना ही क्यों है? उसकी क्या गलती है? वो बच्ची मेरी जान है। वो जान? तो फिर मैं क्या हूं? पहले की तरह कुछ भी नहीं ना। सबकी फैमिली, सबकी दुनिया, मेरा ही कुछ नहीं। ऐसा नहीं है परुमा, वो निर्दोष है, उसे कुछ मत करो। कोई निर्दोष नहीं है, ना मेरा बाप, ना ही तुम्हारा बाप, ना ज्योति, ना ज्योति का भाई, सब ने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या गलती थी मेरी? सिर्फ इतना कि मैंने तुमसे प्यार किया, शादी की, और तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर भाग गए ना? भागा नहीं था परमा, मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई थी। चलिए मेरे होने वाले जीजा जी, आज आपकी शादी है। गंदगी से भागकर पूरी दुनिया में तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास आई थी। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आखिर तुम मिल ही गए। चलो हमारे साथ। नहीं परुमा, अब बहुत देर हो गई है, अब मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, मैं इन सबको छोड़ के कैसे जाऊं? अगर गया भी तो मेरे घर वाले मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे और ज्योति के घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खत्म कर दो सबको, अपने परिवार को, ज्योति के परिवार को, सबको, फिर तो तुम्हें जायदाद से बेदखल करने का डर नहीं रहेगा, पर ज्योति के परिवार का डर भी खत्म हो जाएगा। हमने साथ में रहने के लिए किया था ना ये सब कुछ, कोई नहीं बचा है हमारे बीच में। ये अनुष्का भी नहीं बचनी चाहिए। जिंदा रहेगी, मुझे याद दिलाते रहेगी अपने बीते हुए कल की, अपने परिवार के धोखे की। मैं अपनी बच्ची को नहीं मार पाऊंगा,
मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तुमने पहले भी कहा थी हिम्मत, याद नहीं कैसे अपने बाप को धक्का मारने में तुम्हारे हाथ कांप गए थे। क्या हुआ यशवंत? देख क्या रहे हो? मारो धक्का, धक्का मारो। नहीं, उसे नहीं होगा। उसे नहीं होगा मतलब? कौन है ये और क्या पक रही है? यशवंत, खड़े क्या हो? मारो धक्का इन्हें। क्या चल रहा है तुम लोग का? हाँ, चल दो। बहुत दूर आ चुके हैं यशवंत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, किसी भी हालत में नहीं। तुम्हें पाने के लिए पोतों के खून से अपने हाथ रंगे हैं मैंने, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? बस ये आखिरी खून, के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अभी बेहोश है, अभी उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। नहीं परमा, उसे कुछ मत करो। परमा, परमा छोड़ दो उसे। मैं जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा यहाँ से। परमा रुको, परमा मेरी बात सुनो। परमा रुक जाओ। यशवंत, मुझे मारने आए हो? अपनी परमा को? परमा, परमा वो बच्ची है, वो हमारे साथ रह सकती है अपनी बेटी बनकर। परमा, हरगिज नहीं। भाग सकती हो, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब बता दिया है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, परमा उसे मार डालेगी। मैंने उसका साथ देकर बहुत गलत किया है,
मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ। अगर अनुष्का को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने पुलिस को बुलाया है यशवंत? तुम धोखेबाज हो, हमेशा से ही धोखेबाज थे। डरो मत, मैं तुम्हारी बच्ची को मारूंगी नहीं, बस उसे वही जुल्लत की जिंदगी दूंगी जो मुझे मिली थी। दारोमा, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। परमा देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कानून को हाथ में लेना बेवकूफी है। गुस्से में हम कभी कभी बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। देखो परमा, अगर तुम आज निकल गई तो फिर जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। प्यार किया था मैंने और यही मुझे छोड़कर भाग गए। मेरे मांग में सिंदूर भरी थी इन्होंने, लेकिन कब बीवी से छोड़ी हुई बीवी बन गई पता भी नहीं चला। शर्मिंदगी में मेरे खुद के पाप ने मुझे सोनागाजी में भेज दिया और सबसे ये कहा कि मर चुकी। मैं बहुत खुश था इससे मिलकर। इतने सालों से मुझे पता चला कि ये जिंदा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ना ज्योति को छोड़ सकता था, ना अपने परिवार को छोड़ सकता था। अगर अपने परिवार को छोड़ता तो मुझे घर से बेदखल कर देते, और ज्योति को छोड़ता तो उसके घर वाले मुझे मार देते, इसको मार देते। इसलिए मैंने परमा की बात मान ली और अपने परिवार के एक एक सदस्य को ख़त्म करने लगा। और मुझ पर किसी को शक ना हो और सब मुझसे हमदर्दी रखे, इसलिए मैं परमा की तरह रहने लगा। आखिर समय में ये कमजोर पड़ गए। कमजोर नहीं पड़े, ताकत मिली अपने बेटी के प्यार की वजह से। अगर जायदाद का लालच न करते और अगर सिर्फ प्यार के लिए लड़ते तो आज शायद सब जिंदा होते और अनुष्का भी अकेली नहीं होती।